रावतपुरा सरकार का चौमासा कार्यक्रम विधायक संजय शर्मा की सेवा में। संजय शर्मा ने कहा, हमारे लिए भगवान है रावतपुरा सरकार। जी हम बात कर रहे हैं संत रावतपुरा सरकार की, जो एक बार फिर नरसिंहपुर जिले की धरती पर विधायक संजय शर्मा की विनती पर उनके गृह निवास पर चौमासा कार्यक्रम में आए हुए हैं, जिनकी सेवा में तेंदुखेड़ा विधानसभा के विधायक श्री संजय शर्मा लगे हुए हैं। हम आपको बता दें, श्री संजय शर्मा रावतपुरा सरकार के प्रिय भक्तों में से एक हैं, जो रावतपुरा सरकार को ईश्वरी शक्ति भगवान रूप मानते हैं। आज वहां उनके ही निवेदन पर तेंदुखेड़ा विधानसभा में गुरु पूर्णिमा के पहले चौमासा करने आए हैं। पहले भी श्री रावतपुरा सरकार की कृपा तेंदुखेड़ा विधानसभा में संजय शर्मा के ऊपर हुई है, वह पहले भी यहाँ आ चुके हैं। एक बार फिर कृपा बरसाने नरसिंहपुर जिला तेंदुखेड़ा विधानसभा में संत रावतपुरा सरकार आए हैं। उनके आते ही तेंदुखेड़ा विधानसभा में भक्तों द्वारा स्वागत की बेला में फूल बरसा श्री रावतपुरा सरकार के जयकारों के साथ। भव्य आतिशबाजी और श्याम बैंड की धुन से हुआ महाराष्ट्री का स्वागत श्री संजय शर्मा और भक्तों द्वारा किया गया, जिसमें बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, युवा स्वागत बेला में शामिल थे। भगवान सूर्य की तरह रथ का दृश्य शक्ति रूप श्री रावतपुरा सरकार का देखा गया। हजारों की संख्या में रावतपुरा सरकार के दर्शन के करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु जय जयकार रावतपुरा सरकार के जयकारे भक्तों द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, नरसिंहपुर जिले में आप श्री महाराज जी द्वारा अब 2 माह तक राजमार्ग में चलेगा चौमासा कार्यक्रम। इसी दौरान विधायक संजय शर्मा के दिशा निर्देश में कार्यक्रम रखा गया है। हम आपको बता दें, रावतपुरा सरकार का यह चतुर्मास 20 जुलाई से प्रारंभ हो 20 सितंबर तक राजमार्ग में ही होना है। हालांकि कोरोना के ध्यान में रखते हुए निर्धारित कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, लेकिन प्रतिदिन प्रार्थना, हवन, पूजन और अन्य अनुष्ठान रावतपुरा सरकार के निर्देशन में किए जाएंगे। इस मौके पर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि हमारा और मेरे परिवार का सौभाग्य है कि हम गुरु वंदना करने का मौका हमें मिल रहा है, वह हमारे लिए ईश्वरीय समान है। नरसिंहपुर जिले का सौभाग्य है कि इतने बड़े संत का चौमासा नरसिंहपुर जिले में होने जा रहा है। आप देख रहे हैं विनायक न्यूज़ मध्य प्रदेश, सच की ओर।